अनीश की माँ जी को सद्बुद्धि देना माँ, कि वो डिंपल की सगाई में कोई भी विघ्न ना खड़े करे माँ, ना खड़े करे। आज मोटा भाई अनीश के घर गए हैं, वहाँ कम से कम 7 बार करेंगे। दिया 5 का भाव। माँ और भी है मारू, वो प्रार्थना कर रही है और तू शर्त लगा रही है। नहीं नहीं, मैं शर्त नहीं लगा रही थी बा, मैं तो हेल्प कर रही थी मीनाक्षी की प्रार्थना करने में। ये देखिए, कोई जरूरत नहीं हेल्प करने की, वो अकेली काफी है। प्रवीणा काकी, आपको हेल्प करनी है ना, हमारी हेल्प कीजिए पूरिया बेलिए। ओके, ये क्या इतना सारा आटा? अरे वो अनीश की मम्मी नंबर 1 है ना, वो पैंट शर्ट वाली, 1 फूल 2 माली। अरे नाम क्या उनका? रेवती। हाँ रेवती। अरे वो सगाई प्रीपोन करने पर तुली हुई है और आप यहाँ दावत खिला रही हैं? कुछ नहीं होगा, मेरा अरविंद गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। अपने बच्चे दिन रात नाच नाच के रिहर्सल कर रहे हैं ना, सगाई के दिन डांस के आइटम करने के लिए, तब से उनकी भूख भी दुगनी हो गई है। अब देख क्या रही है पुरिया बेल। माँ सारे विघ्न दूर कर दो, खाना बहुत स्वादिष्ट बने और पूरियां भी मुलायम हो। मैंने कुछ नहीं किया। तो कर मीनाक्षी, तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने वाया स्पीड पोस्ट सुन ली है। हाँ चलना मीनाक्षी, जल्दी कर, सब लोग भूख भूख करते नाचते हुए आएंगे। कट्टू क्या हुआ, तू बार बार उस तरफ क्यों घूम जा रहा है? अरे हाँ, किचन से खाने की खुशबू आ रही होगी ना, इसलिए है ना। देख कट्टू, अगर तुझे यहाँ डांस करना है ना तो वहां पे ध्यान मत देना, तुझे डांस करना है ना? हाँ हाँ, मुझे डांस करना है। चल शुरू हो जा। अंदर जाके पढ़ाई कर। प्रवीण तू साड़ी डिजाइनिंग की किताब पढ़। अच्छा। और सुबोध तू एक स्क्रिप्ट लेकर पढ़ने बैठ जा, और इन्हें कहो कि वो अल्कोहल थेरेपी पढ़े, मेरा कोई मजाक उड़ाए वो मुझे पसंद नहीं है। मोटा भाई, बापूजी ने इसलिए पूछा क्योंकि आपने किससे पढ़ने को कहा है। तुम करते हो क्या पढ़ाई अब, और किससे कहता मैं? अरे मोटा भाई, हम भी तो मैगजीन और अखबार पढ़ते हैं, वो भी तो पढ़ाई है। मैं भी जोक बुक पढ़ता हूँ। फालतू जोक मुझे पसंद नहीं है जिगर, मैंने कहा ना अंदर जाके पढ़ाई करो। क्या हुआ मोटा भाई, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? बंद करो ये सब नाच गाना और नौटंकी। 1 मिनट, नौटंकी मतलब? तुम्हें क्या लगता है हम सब रास्ते पे खेल करने जा रहे हैं और तुम रिक्शा में बैठे माइक पर अनाउंस करने जा रहे हो? देखिए देखिए, ठक्कर परिवार की मशहूर नौटंकी। अरे ये सब तुम्हारी बेटी की सगाई के लिए नाच रहे हैं। सगाई होगी तो ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, क्या बात क्या है? बात हुई ही नहीं है, उन्होंने तो बस फैसला सुना दिया अपना। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? हमारे इम्पोर्टेड समधन जी है ना, उनकी सगाई प्रीपोन कर दी उन्होंने। सगाई प्रीपोन कर दी? तू क्या खुश हो रहा है गट्टू, प्रीपोन का मतलब जानता है तू? जो तारीख तय हुई थी सगाई की, अब उसके पहले करने वाले हैं वो लोग सगाई। उससे पहले करने वाले? अच्छा अच्छा। और हमें पूछा तक नहीं, बस सीधा कह दिया, हमारी कोई मर्जी ही नहीं। हम लोग क्या फालतू हैं? अरे वो लोग बड़े होंगे तो उनके घर में, हम कोई गरीब नहीं है। हाँ, मुझे बा ने 100 रुपए दिए हैं, उसमें 14 रुपए ना मैंने भगवान के मंदिर में चढ़ाए, लेकिन अभी भी मेरे पास 86 रुपए हैं। कट्टूश, लेकिन उन्होंने सगाई प्रीपोन क्यों कर दी? अरे नाटक है उनके सब, ये सब जानबूझ के कर रही है। उस दिन बा के साथ जो हुआ था उसके कारण उनका ईगो हर्ट हुआ है। यहाँ भी टेढ़े मुंह बात की, और हम मिलने गए तो हमारे साथ भी टेढ़े मुंह बात की उन्होंने। हद होती है हर बात की, अगर वो अपनी मनमानी करना चाहती है तो मैं नहीं करने दूंगा उन्हें।
मोटा भाई, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। अरे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, तुझे पता है बेबी किस तरह बात की उन्होंने हमारे साथ? पहले आप अपना गुस्सा ठंडा कीजिए, मैंने कहा ना हम शांति से बात करेंगे। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आ गया मतलब उतर गई। आप सब क्यों रुक गए? आप लोग रिहर्सल जारी रखिए ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो रिहर्सल चालू करो। चलो चलो चालू करो। एक मिनट, धीमी बहुत मीनाक्षी ये तो नमक बगैर की, धीमी बहुत मीनाक्षी। क्यों कोस रही है उसे? सब कुछ इसी की वजह से हुआ है भाभी। अरे तुमने भगवान को इतनी स्लो प्रार्थना की है, भगवान उब गए कि इसका अनुष्ठान कब खत्म होगा, इतना गुस्सा हो गया भगवान जी के, सब उल्टा कर दिया। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है कछुआ छाप। प्रवीणा कोसना है तो अपने जेठ को जाके कोसना, वहां जाकर कुड़कुड़ कर रहे थे एक ही बात पे अड़के। अरविंद को कोसने की जरूरत नहीं है लीला, वो ठीक है अपनी जगह। रेवती जी को मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है, ईगो इश्यू कर लिया है ना मेरे साथ, मैं माफी मांग लूंगी, तू चिंता मत कर। बाप मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे माफी मांगे, प्लीज मैं ये नहीं चाहती। माफी मांगना यानी दंडवत कर कर पांव पकड़ कर गिड़गिड़ा कर माफी नहीं मांगूंगी कि माफ कर दो, जो हुआ सो भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। इला भाभी आप तो जानती है ना बाकी स्टाइल, उसमें भी हुक्म चलाएंगी, माफी दे दो वरना। प्रवीणा ओके, अब तू भी ओके बोल दे लीला, सब ठीक हो जाएगा। क्यों डिंपल? हाँ अनीश की मम्मी थोड़ी जिद्दी जरूर है लेकिन मन की बहुत अच्छी है, वो मान जाएंगी। सारी सास शादी से पहले अच्छी होती है, शादी के बाद ओके। मैं तल देती हूँ भाभी। मीनाक्षी पूरी तलनी है, मुगले आजम नहीं बनानी है, तुम तो 12 साल लगाओगी, तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है, तुम बाहर जाके कोई दूसरा काम ढूंढो। हाँ गो 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 गो। मुझे कभी भी किसी काम में हिस्सा ही नहीं देते आप लोग, कोई काम ही नहीं देता मुझे। बेबी बेन भगवान के लिए मुझे कुछ काम दीजिए, वहाँ प्रवीणा भाभी बा लीला भाभी मुझे कोई पूरिया तलने ही नहीं दे रहा। वो पूरी एक्चुअली आज ही खानी है ना, इसलिए जितने ताने मारने हैं ना मार लीजिए, लेकिन भगवान के लिए मुझे कुछ काम दीजिए। अच्छा आप मेरे साथ गट्टू को आवाज लगाइए ओके। 1 2 3 गट्टू गट्टू भाई। भाभी इसमें भी लेट आया, मेरा ब्लेड नहीं मिल रहा है। अरे वही रुकिए, मैं ब्लेड ढूंढ के देती हूँ आपको। ब्लेड नहीं बे ब्लेड। ओह बे ब्लेड, अच्छा आप जाइए बे ब्लेड ढूंढिए। ए बेबी बेन आप कहाँ जा रही है? मेरी बात छोड़िए मैं वापस आ रही हूँ, आप जाइए ढूंढिए ना। ठीक है। आज तो फैसला होकर ही रहेगा।